तूने मुझे मार दिया। क्यों राके? मेरे लिए। हाँ, मेरी मौत मेरी जिंदगी से जीत गई। मुझे दुख अपनी मौत का नहीं है, दुख अपने अपनों के हाथों मरने का है। अच्छा किया जो शिवांगी को मार थी। वो मौत होनी थी, हो गई। नागिन खत्म हुई। मेरे बाबा और मेरे पति ने मुझे क्यों मारा? क्यों जान ली मेरी? ये जाने बिना मैं जा तो रही हूं, पर दोबारा वापस जरूर आऊंगी। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी और नागिन के साथ ना हो। यहां शिवांगी की कहानी खत्म हुई, और जैसे कभी जिंदगी को मौत से सवाल करने का हक नहीं मिलता, वैसे ही एक नागिन को भी नहीं मिला। शिवांगी को उसके बाबा और पति ने मिलके क्यों मारा, ना वो जान पाई ना उनसे बदला ले पाई, और उसकी कहानी का अंत हो गया। मगर किसी और जगह एक दूसरी नागिन की कहानी शुरू हुई, स्वयंभू शिव मंदिर में। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर त्रिजटायर त्रिलोकी शिव के महारुद्र मंदिर में, जहां हर साल चारों धाम से चार पंडित आते हैं शिव का रुद्र अभिषेक करने। कहते हैं 3000 साल पुराने इसी मंदिर में जीवन का आरंभ भी है और अंत भी। आदि और अनंत के बीच की कड़ी हैं शिव, और अब त्रिनेत्रधारी शिव के इसी मंदिर से शुरू होगा नागिन का तृतीय भाग। ये चोर कैसा? चलो चलकर देखते हैं। आई सरपंच जी, चलो चलो। लगता है सहगल साहब ने सारी जमीन खरीद ली। बोल रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ा होटल बनाने वाले हैं। कहीं ये लोग हमारा शिव मंदिर तो नहीं तोड़ने वाले? यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुको सहगल साहब। ये शिव का पवित्र मंदिर है, यहाँ जेसीबी लाने का क्या मतलब? ये रहे पेपर्स इस जमीन के, आज से ये जमीन मेरी है, एंडी साइगल की, और मैं यहाँ पर इंडिया का सबसे शानदार और आलिशान होटल बनाने वाला हूँ। भले ये जगह मुंबई से बाहर है, लेकिन इससे जुड़ता हुआ हाईवे इंडिया के चार बड़े शहरों को एक साथ जोड़ता है, और यहाँ पर होटल बनाना मेरा सपना है, और इसके बीच में कोई नहीं आएगा, ना कोई इंसान ना तुम्हारा भगवान। आगे बढ़ो, मिला दो ये महारुद्र मंदिर मिट्टी में। मिट्टी में तो वो सब मिला देगा सहगल साहब, मगर याद रखिए, यदि शिव का तीसरा नेत्र खुल गया ना तो घोर अलर्थ हो जाएगा। ये मंदिर 3000 सालों से यहाँ है, बहुत मान्यता है इस स्वयंभू शिवलिंग की। कहते हैं आज भी नागों के नाग शेष नाग के वंशज और हजारों नाग यहाँ अपने इष्ट के दर्शन के लिए आते हैं। उनके क्रम को मत तोड़िए साहब, क्योंकि इससे पहले भी किसी ने ऐसी भूल की थी, बाद में उसको पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिला। होगा कोई लूजर, लेकिन मैं एंडी साइगल हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता, ना इंसान से ना किसी के भगवान से। ए पंडित, आज पूर्णिमा है, दिख रहा है तेरे चांद पे, मेरे ग्रहण से बचना है तो यहाँ से निकल ले। एंडी साइगल हूँ, मुंबई से दिल्ली तक सब पहचानते हैं मुझे, कार्ड होता तो दे देता। नहीं नहीं सहगल साहब, ऐसी गलती मत कीजिए, ये शिव का मंदिर है और इसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। सांप? हाँ, कहाँ है तुम्हारे सांप? हाँ कहाँ है? यहाँ मुझे एक सांप नहीं दिखाई दे रहा। आज इस मंदिर के साथ साथ मैं इस पुरानी हवेली को भी तोड़ दूंगा। तोड़ दो इस शिव मंदिर को, और उखाड़ फेंको इस स्वयंभू शिवलिंग को भी। मैंने कहा था सहगल साहब, अनर्थ हो जाएगा, ये सब उसका इशारा है। इस हवेली को खंडर समझकर आप तोड़ना चाहते थे ना? इस हवेली में नागों के वंश रहते हैं।
दो नाग और नागिन इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, नागों की शक्ति और भक्ति को आप नहीं जानते। और तुम मुझे नहीं जानते हो पंडित। हट! यहाँ शैतान आया है, मैं आया हूं। और जहां मुझ जैसा शैतान आता है वहां कोई भगवान नहीं आता। चलाओ जैसे भी और तोड़ दो इस मंदिर को। मैं भी देखूं कौन सा भोला आता है तुम जैसे भोलों को बचाने के लिए, कौन सा शिव आता है। हे नागराज, आ जाओ अपने मंदिर की रक्षा करने, अपने महारुद्र मंदिर को बचाने। हे नागराज, हे नीलकंठ, हे जटाधारी, हे केदारनाथ, बचा लो अपने मंदिर को। सब कुछ आपको, आपको सांपों का श्राप लगेगा। गॉड डैम इट, मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद हो गया, क्या फायदा तुम जैसे पॉलिटिशियन दोस्तों का। शेखर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है सर। क्यों, सब कॉन्ट्रैक्टर्स मर गए हैं क्या? अब उस जगह को ठीक होने में कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे सर। आई कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। अगर वेट नहीं करना है तो जो कह रहा हूँ वो करो। ये सैंडी, मैं अभी भी कहता हूँ शलाका को बुला लो, वो इन सांपों को कंट्रोल कर सकती है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये सांप सफेद उनकी शक्ति में बिलीव नहीं करता मैं। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी। पर सर, सर ये बात झूठ नहीं है सर, वहाँ उस स्वयंभू शिवलिंग पर शेषनाग आते हैं और वो भी आते हैं सर। वो भी कौन? इच्छाधारी नाग और नागिन। तो ये कहानी सच है कि 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद नाग और नागिन को सूर्य का वरदान मिलता है। जी, और वो जब चाहे इंसान का रूप ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और सर इतना ही नहीं, मेरे पूर्वज तो ये भी कहा करते थे कि ये वही शिव मंदिर है जहाँ हर पूर्णमासी की रात को इच्छाधारी नाग और नागिन आते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके वो इंसान बन जाते हैं। चल शट अप, अभी एक और लफ्ज कहा तुम। शिखर, ये तो एक गाँव वाला है, पर तुम भी, कोई कहता है कि जगह के सांपों की है, कोई कहता है जगह शिव जी की है, कोई कहता है जगह के भैरव की है, ये जगह मेरी है। एनीवे, मेरी यूके की मीटिंग फिक्स हो गई है, आई हैव टू गो देयर सून। ये नागवा की बकवास कुछ दिन में बंद हो जाएगी अरविंद, लेकिन मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए। गेरा कॉन्ट्रैक्टर अरविंद, गेरा कॉन्ट्रैक्टर, भूलना मत अरविंद, फाइंड अ कॉन्ट्रैक्टर नाउ। सर आप समझते क्यों नहीं, इच्छाधारी नाग होते हैं। बच्चे का है? कर रहे होंगे कहीं पार्टी? ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, आखिर मेरे बेटे हैं। आई एम श्योर जहां पर भी होंगे अपनी रात रंगीन ही कर रहे होंगे। King of the world! Guys, आदि भाई, what are you up to? मतलब खुले में दारू पी रहे हो? कोई देख लेगा तो? वो कुछ नहीं करेगा, आएगा, सर झुकाएगा, पैर छुएगा और चला जाएगा। अरे बट, अरे यार यूवी यार, तू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन इस प्रथम से ज्यादा सगा लगता है। तेरे को जितनी दारू पीनी है ना तू पी, किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें रोक सके, क्योंकि हमारे बाप का नाम एंडी है। Andy Sega! Hey Mr. Manager, Mr. Karan, listen. तुम इस गाड़ी में आओगे। दक्ष और बुल्टू के साथ। और हाँ, इस छोटी गाड़ी में अपने आपको एडजस्ट कर लेना, अपने घर के छोटे बजट के लिए। Don't mind. And Ryan, मैं जान, तेरे लिए तीसरी गाड़ी है, तेरी शान की सवारी। You know I know your taste, right? बस मेरा काम करिए, अपने साथ ना
मेरे देवदास भाई प्रथम को ले आई हो। सीरियसली गाइस, आई एम टेलिंग यू, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जो इसका ये जो ब्रदर इन लॉ है ना दक्ष, ये इसके साथ चला जाएगा घर जवाई बनने। अड़ा मेरे जीजू को भी दे दियो आरजे। रेहान भैया मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? एक काम कर, तू भी हमारे साथ चल। चलो यार कितनी हॉट लग रही है, इसको देखकर तो मुझे पसीना छूटने लगा। Right. Two cappuccinos, please. Oh, wait. Coffee से अच्छा shake ले लो. Banana shake. Really? Yes. एक काम करो. Why don't you drink it और इनको भी पिला दो. हाँ? गोद में बिठा के. Excuse me. Hey, don't act focus, boss. You don't know मेरे dad कौन है. क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे dad कौन है? This is so funny. क्या हुआ babe? देखना यार, ये पापा के पपलू कब से पुपु कर रहे हैं. Oops. I mean, oops. Much better. चलो, बच्चों, रास्ता साफ करो। Oh, hello. मुझे पता भी इनका बाप कौन है? तो बहुत बड़ा आदमी है, तो big shot. और सुन, पूरे इलाके में ना तूती बोलती है इनकी. इनकी तूती बोलती है? और मेरी चूती. वो भी हिंदी और पंजाबी दोनों में. And mind you, मुझे गालियाँ बचपन से आती हैं. बेटे से लेके बाप तक. इनकी नई गाली इन्वेंट हो रही है. Really? डेमो दूं? डेमो तो तुझे मैं दूंगा. बहुत बोल रही है. कम, I'll teach you a lesson. ओए हेलो, एक्सक्यूज मी, हाथ छोड़ उसका. Don't be jealous, baby. तुम्हारे लिए मैं हूँ ना. देखो. दिखाओ. बहुत पछताओगे, छोड़ दो. पछताओगे. मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ छोड़ दो, वरना हम कालू को बुला लेंगे. कालू आ रहा है, कालू, कालू आ रहा है. कालू की बोल सके ना जी. उस कालू, वरना गोली मार दूंगी. ओ मिस्टर सेलफोन, हाथ ऊपर करो. आर यू गाइस ओके? या उधर ओके, इनकी फ्रेंड्स ओके, फिर तो हम चल सकते हैं. ओए लाइन में आ और जोर से बोलो कि दोबारा हम कभी लड़की नहीं छेड़ेंगे. देखो मैं 1 2 3 नहीं गिनूंगी, सीधा. वाह यार कालू, चल तू बैठ कालू. इनको गरम तवे पे अब मैं खाती हूँ. हेलो अंकल, आपके जो बेटे हैं ना, उसने यहाँ 2 लड़कियों को छेड़ा है, और अगर वो 2 मिनट में यहाँ से भागा नहीं ना, तो 4-4 केस ठोकूंगी उसके ऊपर. ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, असॉल्ट एंड इनडिसेंट बिहेवियर. नो 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 नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. Tick tick one, tick tick two. Dad will kill us. Hey, तुम डैड से बात नहीं कर रही थी? नहीं, पर अब कर लूंगी. See, lock खुल गया. अब lockup भी खुल जाएगा तुम सबके लिए. Okay okay okay, listen to me. Don't do this. मैं तो बस ऐसे. अच्छा, तो call के बहाने पिटने से बच रहा था, पर बेटा. पीता का मंदिर है, पीता का. शिवजी का मंदिर है बेटे. यार हमें यहाँ नहीं आना चाहिए यार, शिवजी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. तू अपने नाम जैसी बातें क्यों करता है भाई? हमसे नहीं होंगे, अपना सॉलिड कनेक्शन है.
सुनसान जगह ले आया तू तो चुप रहे भाई, यहाँ कुछ उड़े लगी पक्का। अभी चुप कर, तेरे को ना लड़कियों के सिग्नल समझ नहीं आते सर, इसलिए तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यार एक बार देखना तो बनता है, इतनी रात को बिना परमिशन के, वो भी डैड की, कोई कैसे आ सकता है। मत जाओ उधर। एक गाइस 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 गाइस, अपने साथ तो प्रथम भी है, तू पानी पी बैठ के। हां अरे पानी चल। बुलटू तुम भी यही रुक जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनको जाके देख के आने दो ना, वहां कौन है। हमने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया, 100 साल बहुत ही लंबा इंतजार है, और अब 100 साल बाद शिवजी ने हमें वरदान दे दिया हमेशा हमेशा के लिए एक होने का। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। यहाँ तो सब खुले में चल रहा है, वो भी हमारी जमीन पर। इट्स लाइक जमीन हमारी है, लगान कोई और लूट रहा है। सीरियसली लड़की है तो बहुत हॉट, लेकिन ये क्या पहना क्या है इसने, इट्स सो ओल्ड फैशन यार। 100 साल बाद हम नाग नागिन से इंसान बने हैं। आज हमारे मिलन की रात है, और आज इस मंदिर में शिव का आशीर्वाद लेकर हम शादीशुदा हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपनी होने वाली दुल्हन को एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्या? वो मैं बताऊंगा नहीं, वो तुम्हें खुद जाकर वहां देखना होगा। भाई क्या करना है, इनको प्रवेशी देनी है या नहीं? No way, I have a plan. Let's go. यहाँ पे सब देखना दिखाना, पब्लिकली मेकआउट करना अलाउड नहीं है। और आप कपड़े चेंज कर रही थी तो हमें क्यों नहीं बताया? अरे हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते यार। देखिए हम अपने काम से काम रख रहे हैं, आप अपने काम से काम रखिए। शट अप। ए,
यूवी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड की है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ फायदे दिए बिना कोई फायदे में रह सकता है? अब तुम इससे बात कीजिए। अब चले जाइए यहाँ से। ओए, तुम इसके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? इससे अच्छा वक्त तुम्हें मैं दे सकता हूँ। वक्त तो मैं तुम्हें तुम्हारा दिखाती हूँ, वो भी आखिरी। Really? तुम मुझसे लड़ोगी? एक लड़की होकर लड़के से लड़ोगी? You guys have any idea कि मेरे पास क्या है? लड़ो? हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बस अब चले जाइए यहाँ से। Fine, अगर आप दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम चले जाते हैं। Come on boys, let's go. यूवी, हेलो। ओए ओए, भाई भाई भाई, क्या क्या? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर रोका, लेकिन हमने हमारे गुरुजी को वचन दिया था कि कभी अपना असली रूप इंसानों के सामने नहीं आने देंगे। और वैसे भी तुम्हें अभी इच्छाधारी बनने का वरदान मिला है, लेकिन तुम्हें 6 पूर्णमासियों का इंतजार करना होगा, तब तक तुम पूरी तरह अपना रूप नहीं बदल पाओगे। अगर मैं चाहूं तो भी अपना रूप बदलकर इन्हें सबक सिखा सकता हूं, लेकिन तुम पूरी तरह अपना रूप नहीं बदल सकती हो। इसलिए मुझे वचन दो, वचन दो मुझे कि तुम इंसानों के सामने अपना असली रूप नहीं आने दोगी। यूवी, यूवी, हैव यू गॉन मैड? क्या हो गया? उसने मना किया, तू मान गया? छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो। चिल बेब, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। हेलो मैडम, तुम्हारा आइटम तो गया। अब जो हूँ वो मैं ही हूँ। छोड़ दो उसे। क्यों? मुझे जलन हो रही है क्या? ए, न्यू टेक्नोलॉजी लेंसेज हाँ? ये मूड के हिसाब से रंग बदलते हैं। Come on, आदि। छोड़ो मुझे। ये आवाज कैसी? ओए, मुझे लगता है उनको सच में चुड़ैल मिल गई है। हो सकता है उन्हें सच में हमारी हेल्प की जरूरत हो। चलो चल के देखते हैं। कमॉन कमॉन। मुझे लगा ही था ये लड़के कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इनको तो सिर्फ एक ही आदमी संभाल सकता है, माहिर भैया। हाँ प्रथम बोलो। हाँ भैया, आप मुंबई आ चुके हो? हाँ आ गया हूँ। आप फौरन यहाँ पर हवेली वाले प्लॉट पर आ जाओ। यहाँ यूवी, आदि, रेहान सब यहीं पे। और भैया कुछ क्या बोलो, कुछ गड़बड़ कर रहे। मतलब सब लोगों ने बहुत पी रखी है और नशे में जंगल की तरफ गए। जाने वाला है।
क्या है कि ये इंसान सांप बन गया कैसे? मेरी रोई को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा। यूवी, यूवी लड़की को छोड़ दे। यूवी प्लीज छोड़ो मुझे। कमान इसको छोड़ दिया तो इस लड़की को बॉयफ्रेंड हमें नहीं छोड़ेगा। अब हमें यही बचाएगी हमारी ढाल बनकर। जब तक ये हमारे पास है इसका बॉयफ्रेंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोड़ दो और मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा वरना आज यहां कोई भी जिंदा नहीं बचेगा समझे तो। आदि भाई फॉर गॉड सेक प्लीज उसे जाने दो। यूवी छोड़ दो इस लड़की को। जाने दे प्लीज छोड़ दे यूवी। आदि भाई इधर आ जाओ। यूवी विक्रांत आदि भाई चलो। यूवी सुन यूवी ऐसे हार चलो प्लीज। हम वो क्या सोचेगी हम लूजर्स हैं। सबक सिखा इस लड़के को। जो काम तुझसे नहीं होगा वो मैं करूंगा। छोड़ेगी ना हमें बेवकूफ। कहानियों में नहीं पढ़ा क्या तूने? अरे वो नाग था नाग और हो सकता है वो लड़की उसकी नागे। अपना मुंह बंद रख। तूने बिल्कुल अच्छा किया उसे मार के। किसको मार दिया? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? बस एक जानलेवा सांप था उसी को मारा। यूवी मैं सच तुझसे सुनना चाहता हूँ। किसने गोली मारी? वो आदि झूठ थोड़ी बोल रहा है। आई मीन एक सांप को ही मारा है। और मेरे साथ कितने लोग हैं? आप किसी से भी पूछ लो। प्रथम क्या हुआ यहाँ? माई भाई वो सांप ही था। विक्रांत नहीं विक्रांत मैं तुम्हें महारुद्र मंदिर लेकर चलती हूँ। वहां गुरुजी तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, 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 नहीं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है रोहित। तुम्हें कुछ नहीं
नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी विक्रांत, चलो। मैंने इसलिए उन लोगों के समेत महाराज के रूप में ही आने दिया, शायद वो मेरी तरह तुम्हें भी गोली मार देते, लेकिन अब तुम्हें जीना होगा रूही, अब तुम्हें जीना होगा। मुझे पता करो कि तुम मेरे बिना जियोगी रूही, रूही तुम मेरे बिना जियोगी। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगी और तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो, सुना तुमने? आज हमारे मिलन की रात थी, आज 100 साल बाद हम एक होने जा रहे थे, मुझे छोड़कर मत जा। रोही, रोही, मेरे मिलन का सपना पूरा नहीं हो पाया, उसका सपना मैं अधूरा नहीं रहने दूंगा। रोही, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। रोही, नहीं। रोही, तुम मेरे लिए अच्छी होगी। रोही, सब और तब तक मुझे यहां कोई नहीं दिखना चाहिए जब तक यहां पे मेरा होटल बनकर रेडी नहीं हो जाता। चलो बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तक लोगों ने नागिन के प्यार के किस्से सुने होंगे, लेकिन अब उसके बदले की कहानी सुनेंगे और उस कहानी में माफी नहीं होगी, होगी तो सिर्फ मौत, उन सब की मौत जिन्होंने मेरी जिंदगी को मौत दी है, मेरे प्यार को, मेरे विक्रांत को मुझसे अलग किया। आज इस जगह शिव, भैरव और पाताल भैरवी तीनों के मंदिर हैं, और आज ये नागिन तीनों की कसम खा के कहती है, मैं अपने नाग के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लौट के आऊंगी मैं ना पतला लेने। महाकाल का वरदान है मुझे, और अब उसी महाकाल की कसम, मैं उन लड़कों का काल बनूंगी, उन सब की बहुत।